तुम क्या कभी लो फील नहीं करती? क्या कभी ऐसा फेज नहीं होता जब तुम्हें ऐसे लगता है कि आज कुछ काम नहीं करना है, आज ख्याल वाली खिड़की भी नहीं रिकॉर्ड करनी, आज कुछ बात भी नहीं करनी है, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है? क्या जिया तुम्हें कभी ऐसा होता है? हाँ होता है, बहुत बार होता है। मैं भी बिल्कुल आपके जैसे ही हूं, सिंपल। सबसे पहला सवाल आपका कि तुम क्या लो फील करती हो? हाँ मैं लो फील करती हूँ, मेरे भी मूड स्विंग्स होते हैं, मुझे भी बुरा लगता है, मुझे भी आज काम नहीं करने का मूड है, ऐसा फील करने का हक है। लेकिन ये जो सिंड्रोम है कि हम जो लो फील करते हैं, वो आजकल उसका जो ड्यूरेशन है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसका रीज़न ये है पैंडेमिक। कोरोना की वजह से लोगों के नेचर के ऊपर बहुत फर्क पड़ा है। बिकॉज ऑफ पैंडेमिक लोगों का पेशेंस कम हो चुका है, लोग इनसिक्योर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोग अपना स्ट्रेस, अपने डिप्रेशन को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से उनके नेचर में, उनके रूटीन लाइफ में बहुत फ़र्क हुआ है। और इसी का एक रीज़न है कि कोई भी इंसान नॉर्मली लो फील करता है, उसे ऐसा लगता है कि वो जैसा था 2 साल पहले या 1 साल पहले, वैसा वो नहीं है, उसके नेचर में चेंज आया है। और आप ऑब्जर्व करना, आपके आसपास भी, फैमिली में, फ्रेंड्स में, ऑफिस में, लोग आजकल लो भी फील करते हैं, डिप्रेस रहते हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं कि वो डिप्रेस है, दिखाते नहीं हैं कि वो फियर में है। कभी कभी भी एक हिडन डर, फियर चलता रहता है कि मेरे साथ अगर ऐसा कुछ हो गया, किसी का सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि और मेरे साथ ऐसा हुआ तो, ये सारी इनसिक्योरिटी के बीच में काम में फोकस रखना, अपनी रूटीन लाइफ में जीना, एक अननोइंग रेस में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे हम बस भाग रहे हैं विदाउट एनी सिक्योरिटी। अब रहा आपका सवाल कि जब तुम लो फील करती हो जिया, तो क्या करती हो? आई होप कि मैं जो करती हूँ वो कहीं आपको हेल्प हो। तो ये आप ही का सवाल था कि लो फील करते वक्त कौन सी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। सो, मैंने अपने मोबाइल में एक प्लेलिस्ट क्यूरेट करके रखा हुआ है जिसका नाम है जिया से जिया। उसमें किशोर कुमार के गाने हैं, बहुत ही खूबसूरत से गाने। मुझे म्यूज़िक वैसे भी बहुत पसंद है, मैं बीइंग रेडियो प्रोफेशनल म्यूज़िक से ज़्यादा कनेक्ट कर पाती हूँ, तो मैं म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। मुझे जगजीत सिंह जी की गज़लें बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे मोबाइल में मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है उसमें मैंने उनकी गज़लें कुछ खास कलेक्शन करके रखी हुई हैं। उनका एक एल्बम था सजदा विद लता जी, इतनी पॉजिटिव गज़लें, क्योंकि गज़लों को हमेशा सैड कैटेगरी में डाला जाता है, लेकिन आप उनका एल्बम सुनेंगे ना, होप, इतनी प्रिटी गज़ल, इतनी खूबसूरत गज़ल, आपका विजन चेंज हो जाता है ज़िंदगी को देखने का, ज़िंदगी को जीने का। तो मैं जब लो फील करती हूँ तो मैं म्यूज़िक सुनती हूँ, ऐसा मैंने प्लेलिस्ट बनाया है कि अचानक से मेरा मूड अच्छा हो जाता है। फिर मैं अपना फेवरेट फूड ऑर्डर भी करती हूँ और कभी कभी बना भी लेती हूँ। फूड ना आपके मूड को एक फील गुड फैक्टर देता है, इट्स लाइक फील एट होम। आप जहाँ कहीं भी हो, लेकिन खाना एक जिंदगी का एक ऐसा जायका है कि फूड का असर मूड पर सबसे पहले हो जाता है। सो, इधर तो मैं कुक कर लेती हूँ अपना फेवरेट फूड, और मेरा फेवरेट फूड दाल ढोकली और मुझे बहुत पसंद है, इधर मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, सो फूड के साथ मूड सेट हो ही जाता है। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक स्किन केयर, कोई भी फेस मास्क बना लिया, हेयर मास्क बना लिया, कुछ भी ऐसी चीज को, आज लो फील हो रहा है, चल जी आज फेस मास्क बनाते हैं, मुल्तानी मिट्टी वाला, हल्दी वाला, दादी ने सजेस्ट किया हुआ है, फेस मास्क बनाया, आराम से हेडफोन्स लगाया, म्यूजिक सुना, अच्छा सा फील होता है मुझे। चौथा एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, मुझे पुराने बुक्स बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने के लिए, ऐसा लगता है मैं रियल दुनिया से एस्केप होके किताबी दुनिया के किरदार जी रही हूँ, इतना अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना। उसके साथ अगर समर का सीज़न है तो मैं ठंडा वाटरमेलन कट करके उसके साथ बैठ जाती हूँ, मैं किताब पढ़ती रहती हूँ, घंटों निकल जाते हैं पता नहीं चलता। ये सारे प्रैक्टिसेस हैं मेरी लाइफ में मेरे लो फीलिंग वाले फेज़ को नॉर्मल फेज़ में लाने के लिए। और जब भी मैं ज़्यादा डाउन फील करती हूँ, ऐसा लगता है कि आज मूड अच्छा नहीं है, सो मैं अपने एक दोस्त को फ़ोन कर लेती हूँ। मतलब कॉल अ फ्रेंड का मीनिंग ये नहीं कि आप अपनी सारी भड़ास निकालो, लेकिन एक ऐसे दोस्त को कॉल करना मीन्स
एक पुराने वक्त को जीना, उसकी बातें सुन के अपनी सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाना, और वो जो पल, चाहे आप फेस टाइम कर रहे हो, व्हाट्सएप वीडियो कर रहे हो, या फिर उसके साथ कॉल पे बात कर रहे हो, लेकिन एक दोस्त के साथ बात करने के बाद जो एक बॉडी के अंदर हल्का फीलिंग होता है ना, वो अनुभव ही अलग है। और जब भी मैं लो फील करती हूँ, मैं अक्सर ही एक्सपीरियंस करती हूँ, एंड बिलीव मी, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। सो थैंक्स टू वो सारे फ्रेंड जो अक्सर एक ही बार में मेरा कॉल उठा लेते हैं। वैसे ऐसे दोस्त भी होने चाहिए, जब आप लो फील कर रहे हो ना, तो डांट के बोले, नाटक बंद कर, चुपचाप मूड में आ जा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी लो फील कर रहे हो, एक अच्छा सा नैप ले। आपने कभी खुद को जादू की झप्पी दी है? नहीं दी? अब ट्राई करो। मैं सुबह सुबह ना, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि आज रात को मुझे नींद नहीं आई है, या फिर कुछ थॉट रह गए हैं दिमाग के अंदर, तो मैं सुबह ना आईने के सामने खड़ी हो जाती हूँ, और आईने के सामने खड़ी होके दोनों हाथों को ऐसे समेट लेती हूँ और खुद को जादू की झप्पी देती हूँ। एक अच्छा फीलिंग होता है, खुद की एनर्जी को महसूस करना, अपने स्पर्श को फील करना कि एवरीथिंग इज गुड। आज का दिन तो अच्छा जाएगा ही जाएगा, लेकिन आने वाला हर पल अच्छा जाने वाला है, जिया। और ये विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि एवरीथिंग इज परफेक्ट। चाहे फिर वो ना भी हो ना, तो भी आपके अंदर वो ताकत है कि आप सब कुछ परफेक्ट कर दोगे। बिलीव मी, आप इनमें से कोई भी चीज़ जब भी लो फील कर रहे हो, करो। ये चीज़ें आपको हील करने में हेल्प करेगी, और इस पैंडेमिक में जो हर छोटी छोटी चीज़ में हमारे नेचर में जो इतनी इनसिक्योरिटी है, इतना प्रेशर है, इतना डिप्रेशन है, इतनी कंपटीशन है, इसे डील करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए आपको एक इनर स्ट्रेंथ मिलता है। दैट इज़ माई एक्सपीरियंस। सो लो फील करने का मतलब ये है, आप अपने रूटीन लाइफ से एक ब्रेक ले रहे हो, अपने लिए एक मी टाइम एंजॉय कर रहे हो। सो आज के बाद जब आपको ऐसा फील हो, अगर कोई आपको ऐसा बोले कि मुझे बड़ा लो फील हो रहा है, तो उसे बोलना, यार क्या बात है, आज तो तेरा दिन है, एंजॉय योर मी टाइम। यस, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढो, आपका जीवन जीने का, लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाएगा, और फिर देखिए लोग आपके फैन हो जाएंगे। कैसा लगा आज का एपिसोड जरूर बताएगा, और इसे देख के, इसे सुन के अच्छा फील हुआ कि नहीं वो भी बताएगा। और टिल द नेक्स्ट टाइम, जिया के साथ नहीं जिया तो क्या जिया।